अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद भट्ट है और मैं पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो आपने सुना होगा कि दुनिया में दो बहुत बड़ी जंगें हुई थी, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वार पहली जंग अजीम और सेकंड वर्ल्ड वार दूसरी जंग अजीम कहा जाता है। पहली को तो छोड़ देते हैं, तबाही तो बहुत होती है जंगों में, लेकिन दूसरी जंग अजीम में कोई ऐसा वाकया हुआ कि एक बम ने 90,000 लोगों को मार दिया। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पे बम गिराया और एक बम से 90,000 पीपल वो मारे गए थे। 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर उसी तरह का एक और बम फेंका तो 60,000 लोग मारे गए। इतनी ज्यादा तबाही इतने छोटे से एक बम से। तो फिर लोगों ने सोचा, बल्कि सोचा क्या, जिन्होंने बनाया था वो खुद ही डर गए कि आज हमने ये टेक्नोलॉजी तो बना ली है, कल ये टेक्नोलॉजी दूसरों के हाथ में भी लग जाएगी, ये उनके दुश्मन हैं या मुखालिफ समझते हैं, तो ये तो बड़ी तबाही मचेगी। तो उन्होंने फिर सोचा कि भाई इस इतनी ज़्यादा एनर्जी जो इसमें से निकलती है तवानाई, इसको किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो वहाँ से एक आइडिया या कॉन्सेप्ट आया, अमेरिका के सदर ने ही पेश किया था, एटम फॉर पीस, कि भाई ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको पुरमन मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और फिर उससे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मार्ज़े वजूद में आई, जिसका असल पर्पज़ यही है कि जो न्यूक्लियर तवानाई मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होती है, जिसमें आपका ज़राअत का शोबा है, हेल्थ का है, उसमें एनवायरनमेंट का है, पानी के ज़राए हैं उनके लिए, और फिर सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए, तो इन शोबों में इनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये था असल मकसद उसका। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी जो है, इसने भी उन्हीं लाइंस के ऊपर सोचा कि भाई हम इस मुल्क में, अक्सर लोग ये समझते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए है, उनके ऊपर एक सिर्फ दो बम गिरे उन्होंने इतना बदनाम कर दिया कि हर बंदा ये समझता है कि ये तो इसी काम के लिए है। हालांकि बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे हासिल किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 19 न्यूक्लियर मेडिकल सेंटर बनाए हुए हैं, कैंसर अस्पताल जिनको कह लीजिए, आपके इस्लामाबाद में नूरी है और मुख्तलिफ शहर में लाहौर में अनमोल के नाम से बहुत मशहूर हस्पताल है, इसके अलावा भी हैं बड़े से हॉस्पिटल, शौकत खानम आगा खान में। तो इनमें न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, यानी वो जो दवाई यहाँ इस्तेमाल होती है वो भी पाकिस्तान में बनती है, तो उससे लोगों के कैंसर का इलाज किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो ये है कि जिससे आप न्यूक्लियर तवानाई को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़राअत के शोबे में आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ये कपास पैदा करता है, कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है और दुनिया में बहुत मशहूर है। बहुत सी कपास ज़ाया हो जाती थी, कीड़ा लग जाता था, तो हमारा जो फैसलाबाद में एक सेंटर है उसका नाम है नया न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। उन्होंने ऐसी वैरायटी बनाई कपास की कि जिसमें पैदावार भी बहुत और उसको कीड़ा भी नहीं लगता था, तो उसकी वजह से कहते हैं कि पाकिस्तान में वाइट रेवोल्यूशन आया, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान ने उससे पैसा कमाया। और इसके अलावा बेशुमार वैरायटीज़ गंदम की और इसके अलावा दालों की, बीन्स वगैरह की, तो बनाई जाती हैं जिनको न्यूक्लियर तरीके से, न्यूक्लियर टेक्निक इस्तेमाल करके तो बहुत अच्छी उसकी पैदावार ली जा सकती है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि भाई फूड जो है बाज़ दफ़ा वो आप देखें कीनू वगैरह लें कुछ और तो बड़ी जल्दी गल सड़ जाते हैं, तो न्यूक्लियर टेक्निक्स के ज़रिए से उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ऐसी शुआएँ हैं कि जो अदरवाइज उसको नुकसान नहीं करती, खाने में उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो उनको इतना प्रिजर्व कर देते हैं कि उनके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं जिन्होंने उसको ख़राब करना होता है वो मारे जाते हैं। तो ये है एक उसका बड़ा फ़ायदा जो हमें न्यूक्लियर टेक्निक से हासिल होता है, न्यूक्लियर तरीकों से। अच्छा, उसके अलावा देखें, अब
समुंदर का पानी आपको पता है कि नमकीन है। हमारे यहाँ जो बहर अरब का समुंदर है कराची के साथ, तो वहाँ पे जो साहली इलाके, वहाँ बड़ा पानी का मसला है, कमी है। तो न्यूक्लियर तरीके से, जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं कराची में, तो उनसे बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट से आप पानी को काबिल इस्तेमाल, उसको वाटर डेसेलिनेशन वगैरह कहते हैं, तो उससे पैदा की बनाया जा सकता है और लोगों के लिए पीने के काबिल बनाया जा सकता है। अच्छा, फिर ये जो हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिरिंजेस वगैरह इंजेक्शन लगाने के लिए, तो अगर वो साफ ना हो, तो उनके ऊपर बैक्टीरियाज हों, जरासीम जर्म्स हों, तो जब वो लगाएंगे तो उनके अंदर जाएंगे, तो फ़ायदा होने की बजाय, बीमारी दूर होने की बजाय बीमारी अगर बढ़ जाए तो वो तो नुकसानदेह। तो लाहौर में हमारा मतलब पाकिस्तान का एक सेंटर है जिससे स्टरलाइज करते हैं उनको, और वो जरासीम मार देती हैं और उस तरह से इंजेक्शन इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा फूड को, जैसे मैंने बताया, प्रिजर्व कर सकते हैं। एक और सी है, जैसे एक टेक्निक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मतलब ऐसी चीज़ कि चीज़ों को तोड़े बगैर या ख़राब किए बगैर, जैसे एक बिल्डिंग बनी उसके अंदर पाइप्स हैं, अब वो पाइप में अगर कोई लीकेज है तो अब क्या करते हैं, या तो उसको तोड़ा जाए फिर पाइप को देखे कहाँ से लीकेज है। लेकिन दूसरा तरीका, जैसे हमारा एक्सरे होता है हॉस्पिटल में, तो इस तरह कि बॉडी के अंदर देखा जाता है भाई कहाँ पे कोई ख़राबी है, तो उस एक्सरे से देखते हैं ना, या और भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसके बाद आगे स्कैनिंग वगैरह की। तो इस तरह जो न्यूक्लियर टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए से बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर भी खला और ख़राबी देखी जा सकती है, और उसको दूर कर किया जा सकता है या कम अज़ कम पता चलाया जा सकता है। तो इस तरह के जो तरीके हैं ये हैं, इनको कहते हैं पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए हम न्यूक्लियर तो इस्तेमाल कर सकते हैं।